और दीपक तुम क्या लेकर इलाहाबाद के कुंभ मेले में गंगा के घाटों की सफाई करते सात समंदर पार से आए ये हैं विदेशी श्रद्धालु। दुनिया के तमाम देशों से आए गंगा भक्त लाखों करोड़ों लोगों के जीवन को उतारने वाली पतित पावनी गंगा की हालत देखकर बेहद दुखी। गंगा में बढ़ते प्रदूषण से दुखी ये श्रद्धालु रोजाना 3 से 4 घंटे तक कूड़ा इकट्ठा कर गंगा की सफाई करते हैं। गंगा की सफाई करना कुंभ मेले में आए इन विदेशी श्रद्धालुओं की दिनचर्या का अहम हिस्सा और मकसद बन गया है। इनका कहना है कि गंगा का प्रदूषण हर हाल में दूर किया जाना चाहिए। इनके मुताबिक गंगा की सेवा कर इन्हें जो सुकून मिलता है उसे वो बयान नहीं कर सकते। ये गंगा भक्त हरिद्वार परमार्थ आश्रम के स्वामी चिदानंद के कैंप में रुके हुए हैं। We love his model of sacred activism, that it's not enough to do our sadhana, take our sacred bath, but we also must serve, must do seva. So it's a great privilege to have him as our leader in this cleanup. गंगा के प्रति विदेशी श्रद्धालुओं की अपार आस्था और दर्द को देखकर तमाम भारतीय भी इनके अभियान से जुड़ गए हैं। कुंभ मेले के अलग अलग कैंपों में ठहरे सैकड़ों श्रद्धालु और तीर्थयात्री भी गंगा सफाई में इनका हाथ बटाते हैं। इतना ही नहीं, सात समंदर पार से आए ये विदेशी श्रद्धालु कुंभ मेले में आए तीर्थयात्रियों से गंगा में प्रदूषण न फैलाने का संकल्प भी दिलाते हैं। गंगा के प्रति इनकी पीड़ा किसी को भी झकझोर देने के लिए काफी। गंगा जी के स्वच्छता के लिए चलाया जाने वाला गंगा स्वच्छता अभियान था, इसके अंदर देशी और विदेशी सभी तरह के लोगों ने यहाँ पर गंगा जी की स्वच्छता के लिए आज प्रयास किया। काफी हद तक गंगा जी को स्वच्छ किया है और आप सभी की कोशिश ये है कि गंगा जी को स्वच्छ रखा जाए, क्योंकि गंगा जी हमारी माँ है, राष्ट्रीय धरोहर है। गंगा के प्रति विदेशी श्रद्धालुओं का लगाव और समर्पण भारतीयों को आईना दिखाने वाला है।